पहला व्लॉग। मरहबा, खुश आमदीद कहते हैं आप लोगों को अपने पहले व्लॉग में। आज मेरा पहला व्लॉग है और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। मैं व्लॉग क्यों बना रहा हूँ, मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया। सो इट हैज़ बीन 5 ईयर सिंस आई एम वॉचिंग यूट्यूब। यूट्यूब पर जो चीज़ें होती थी मैं सिर्फ वो देखता था और इन्हीं चीज़ों ने मुझे इंस्पायर किया अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करने में। और दूसरे चीज़ जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ अपने पाकिस्तान में व्लॉगर्स की कम्युनिटी और दूसरे यूट्यूबर्स की कम्युनिटी देख के, मोरू इरफान जो इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। आज मेरा पहला व्लॉग है। 5 महीने पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि व्लॉग्स एडोबी प्रीमियर प्रो में एडिट होते हैं। उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट किया। आहिस्ता मैंने चीज़ें सीखी, वो सारी चीज़ें सीखी जो मुझे नहीं आती थी। अभी मैं प्रोफेशनल तो नहीं हुआ लेकिन आज मेरा पहला व्लॉग है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे व्लॉग ज़्यादा पसंद आएंगे। व्लॉग्स 2 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, एक आपकी स्किल्स, दूसरा द वे द पावर पोटेंशियल ऑफ योर स्टोरी टेलिंग। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं तो आपका व्लॉग खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, कैमरा गियर की कोई टेंशन नहीं, बस एक माइक ले लें और बी गुड टू गो। तो हम जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस को एक्सप्लोर करने, मस्जिद वज़ीर खान और उसके आसपास की जो जगहें हैं। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 6:30। और मैं अपना व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि हमने डिसाइड ये किया था कि सुबह सुबह निकलेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा और चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। साथ दोस्तों को भी ले लें, मज़ा आएगा। लाहौर की फूड स्ट्रीट जो शायद इस वक्त बंद थी, अपने मन में हज़ारों सालों की भूख बसाए हम फाइनली पहुंच गए भज्जे के पाए खाने। भज्जे के पाए खाने के बाद हमने खाई हलवा पूड़ी, क्योंकि अगर हलवा पूड़ी ना खाते तो ये हलवा पूड़ी पे जुल्म था और थोड़ा बहुत जुल्म हम अपने पेट पर भी कर ही सकते थे। खैर, हलवा पूड़ी खाने के बाद हम निकल दिए अंदरून लाहौर की सैर के लिए रिक्शे पे। रिक्शे पे मैं फ़िल्म बना ही रहा था कि अचानक सामने से आ गई एक गाड़ी और मेरा कैमरा इस गाड़ी के साथ लगते लगते बचा। एक मिनट के लिए तो मेरा दिल भी यहाँ पे रुक गया था कि शायद मेरा कैमरा गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई। उसके बाद हम फाइनली पहुँच गए मस्जिद वज़ीर ख़ान। मस्जिद वज़ीर ख़ान के दरवाज़े के अंदर एंटर हुए और अब आगे अच्छा जी, आफ्टर ह्यूज खवारी हम आ गए हैं मस्जिद वज़ीर ख़ान में। सुबह के टाइम नाश्ता कर रहा था, भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी और तब बारिश भी हो रही थी जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं हो सकी। अभी हम वहाँ से सीधा निकले और अभी हम पहुँच गए मस्जिद वज़ीर ख़ान। मस्जिद वज़ीर ख़ान माशाल्लाह से बड़ी प्यारी मस्जिद बनी हुई है। कि अच्छी बात है, अब वज़ू खाने की जगह, ये जगह वज़ू खाने की मैं पहली दफ़ा इस तरह देख रहा हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा पहले वीडियोज़ में देखा था, ये वाली जगह मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। और अभी कुछ सीन्स, कुछ सीक्वेंसेस, फिर आपसे बात करते हैं। Allahu Allah
और मस्जिद वज़ीर ख़ान की हिस्ट्री का हमें भी कुछ इतना ख़ास पता नहीं, तो यहाँ पे भी कोई देख रहे हैं कोई बंदा वगैरह मिल जाए जो हमें बता सके कि ये किसकी मस्जिद है और ये कब बनाई गई, क्यों बनाई गई और बाकी हिस्ट्री हमें दे सके। जब यहाँ पे शाहजहाँ की हुकूमत हुआ करती थी तो तब ये मस्जिद 1634 से 1635 के दरमियान बनी थी, और ये मस्जिद इस वक्त 450 साल पुरानी मस्जिद है। तो आपने भी जाना उस तरह भी जाना जिधर मकान आते हैं ना लोगों के घर है उधर आपने नहीं जाना, आपने ये रास्ता सीधे ऊपर जाना है। ठीक है, ध्यान से खेल रहे जी। इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद वज़ीर ख़ान की टॉप पे, जो अंकल आपको कैमरे में नज़र आए उन्होंने हमसे ले लिया पैसे, कहते बेटा जाना है आपने पैसे दें और जाएं। हालांकि पैसे वाली कोई बात नहीं थी लेकिन उन्होंने ले लिया, हमने दे दिया उनको। खैर, इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद वज़ीर ख़ान की टॉप के ऊपर और यहाँ पे इतने प्यारे नज़ारे, क्या क्या नज़ारे पहले देखिए। अच्छा जी, अभी भी शाहजेब मेरे साथ जो एक बॉयज़ आए थे मेरे साथ जो दोस्त थे मेरे, उसने भी बताया कि वो भी उधर पीछे गया और उसने कोई गार देखी है, तो अभी हम जा रहे हैं गार देखने। सर बचाओ, सर बचाओ। पता नहीं यहाँ जाना बेवकूफ़ी तो नहीं होगी, और ऊपर भी कोई रास्ता जा रहा है, शायद ऊपर जा, ऊपर तो जा सकते हैं। चल आने से पीछे पीछे आ। अच्छा जी, जिस चीज़ को हम गार समझ रहे थे वो एक बहुत ही खूबसूरत तरीन मंज़र का रास्ता था, और वो मंज़र है वज़ीर मस्जिद वज़ीर ख़ान टॉप का। इस वक्त जिस चीज़ को हम गार समझ रहे थे या कोई डरावना रास्ता समझ रहे थे वो असल में था उनकी स्टेयर्स जो जाती थी छत के ऊपर, जो काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी। अब भी ये जा रही हैं और सीढ़ियाँ और चढ़ेंगे हम। ये अगर टूट गया तो मैं सीधा नीचे जाऊंगा। हमने तकरीबन यहाँ से मस्जिद वज़ीर ख़ान में 1.5 से 2 घंटा का टाइम यहाँ पे गुजारा, और अभी भी यहाँ पे तस्वीरें ली, और वो जितनी भी तस्वीरें हैं जो भी हमने तस्वीरें वगैरह मस्जिद वज़ीर ख़ान में ली वो मेरे इंस्टाग्राम पे अपलोड होंगी लाइट रूम के गेम्स के साथ। ब्लॉग हो रहा है यहाँ पे ख़त्म।